कटिहार में खेल एक बार फिर पलट गया है। कटिहार में लोकसभा का चुनाव दूसरे फेज में होना है। कटिहार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदार एमएलसी अशोक अग्रवाल थे, लेकिन कटिहार सीट एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू कोटे में चली गई। कटिहार से जेडीयू के प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद दुलाल चंद गोस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन कटिहार के बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल को कहीं से कटिहार लोकसभा सीट के लिए जेडीयू की दावेदारी पची नहीं। चूंकि खुद अग्रवाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के करीबी हैं, तो उन्होंने बगावत करने की ठान ली और उन्होंने फैसला ले लिया कि वो लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, जिसके बाद काफी दिनों तक मान मनौवल का दौर जारी रहा। उन्होंने नामांकन भी भर दिया। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी उनके दरबार पर पैर रगड़ना पड़ा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का कटिहार में जबरदस्त विरोध हुआ था और वो पानी पानी हो गए थे, लेकिन अब वो पूरा मामला पलट गया है। अशोक अग्रवाल अब नामांकन वापस लेने की बात कह रहे हैं। हमारे प्रदेश के दोनों नेता आए हुए हैं, श्री नायक जी हैं और कमाख्या नायक जी हैं, और मैंने अपना नामांकन निर्दलीय प्रार्थी के रूप में दिया था। और देश हित में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014-19 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी प्रधानमंत्री बने रहे। देश पहले है, व्यक्ति बाद में। देश रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। तो देश हित में मैंने फैसला लिया है, मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूँ। एनडीए प्रत्याशी को हम लोग अपना मदद करें और हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए के साथ ही हमारे सब लोग मिल करके एनडीए प्रत्याशी को मदद करें। हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया, हमारे डिप्टी सीएम साहब नीतीश कुमार जी, भूपेंद्र यादव जी, सभी से हम लोगों ने मिले, सबसे मिले, सबसे बात हुई। देश हित में फैसला लिया गया। देश में एनडीए की सरकार चाहिए, एनडीए की सरकार है और आगे भी रहेगी। बिहार सरकार की मंत्री आप पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कार्यकर्ता नाराज हैं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे उसके लिए। क्या बात हुई कुछ आश्वासन? प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है, हमारे सीएम साहब से बात हुई है कि जो मंत्री जी का बयान है उसको लोग अगर संज्ञान आहत है इस बयान से, आप कितना आहत है उस तरह के बयान से? हमारे कार्यकर्ता भी आहत है, मैं भी आहत हूँ। ऐसा बयान माननीय मंत्री जी को पद पर रहते हुए नहीं देना चाहिए, मैं इस बात को समझता हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे फैसला करेंगे वो निर्णय सर्वमान्य होगा। कटिहार के चुनावी राजनीति में कई दिनों तक खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन प्रदेश स्तर से आए नेता के आश्वासन के बाद एमएलसी अशोक अग्रवाल अपने समर्थकों को मनाने में कामयाब रहे और उन्होंने शीर्ष नेताओं को उचित फैसला लेने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, भारत बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी के तरफ से और एनडीए के तमाम प्रदेश के नेताओं के तरफ से हम हृदय से बड़े भाई अशोक अग्रवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने राष्ट्रहित को आप प्राथमिकता में रखे हैं और अपने निर्णय से राष्ट्र निर्माण में आपने जो फैसला लिया है इसके लिए कोटि कोटि बधाई। प्रदेश नेतृत्व से बात करके आए हैं, अपनी भावना से अवगत करा दिए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हम अनुशासक अनुशासित सिपाही हैं और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्षों या राष्ट्रीय अध्यक्षों संवेदनशील हैं। भाई अशोक अग्रवाल जी के भावना को समझते हुए उचित समय पर उचित फैसला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एमएलसी अग्रवाल के नॉमिनेशन वापसी के बाद अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी से होगा। ऐसे में अब ये मामला जहां त्रिकोणीय था अब दो तरफ का हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू को बीजेपी के बागी के नॉमिनेशन वापसी का फायदा चुनाव में कितना होता है। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।